अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे दोस्तों। तो अभी दोस्तों ये बांधी है गंदम, कुछ बांध रहे हैं, कुछ बांध दी है, धूप बहुत ज़्यादा। और अभी 11-12 का जो टाइम है, तो इस टाइम धूप और बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए बस कर दी है, क्योंकि रोज़े हैं। मेरे होंठ जो है ना खुश्क होना शुरू हो गए हैं, तो फिर काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है इफ्तारी में भी, तो इसलिए बस कर दी है। तो मैं थोड़ी सी मज़ीद गंदम जो है वो पानी के अंदर भिगोने आया हूँ, तो आगे ना जो बाद में शाम को इवनिंग को आएंगे जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो उस वक़्त फिर ये जो है कि भी बंदा थोड़ा बहुत काम कर लेता मौसम ठंडा होने की वजह से। अभी के लिए तो बस हो गई है, अभी जाके नहाएंगे, नहा के थोड़ा सा जो काम है ऑनलाइन वर्क है वीडियो वगैरह एडिट करने का वो करेंगे, और उसके बाद जाएंगे सो, और फिर रोज़े से 2 घंटे पहले उठ के इधर आएंगे और जो है वो गंदम को डालेंगे। बाकी आपको दिखाया किस तरह गंदम डाली जाएगी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ अभी, क्योंकि हम थोड़ी सी रहती है वो डालेंगे, बाकी तो डाल लिए ज़्यादातर, तो लेकिन जो थोड़ी रहती है वो आपको दिखाऊंगा किस तरह डालते हैं गंदम, कैसे करते हैं काम बाकी सारे। अभी मुझे थोड़ी सी गंदम भिजवानी है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए सारी अभी ना पड़ी हुई है, ये जो एक चारी है ये पड़ी हुई है, बाकी तो हमने वो वाली तो डाल ली है। अभी मुझे 1 किलो 1.5 किलो गंदम लेनी है भिगोने के लिए, वो ले के भिगो के और उसके बाद फिर मैं चला जाऊँ फिर नहाने। उधर एक तो थोड़ी सी रहती है वो डाल के। तो यही था आज का व्लॉग दोस्तों, बस अभी मैं आपको बैक कैमरे से बाकी सारे सीन दिखाता हूँ, क्या क्या कैसे कैसे है सारा कुछ। अभी आप मुझे अच्छी तरीके से देख लें, मौसम तो ठीक है लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है, छाँव में तो ठीक फील होता है लेकिन धूप में, क्योंकि गंदम सारी धूप में डालनी पड़ती है, धूप बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से होंठ खुश्क हो गए अभी से, और एनर्जी भी आपको पता है कि ख़त्म हो रही है, आपको लग रहा होगा मेरे बोलने से अंदाज़ा हो रहा होगा। तो सुबह का मैं आया हूँ तकरीबन 6 बजे का इधर, और 6 घंटे हुए लगातार काम करते हुए। मैं आपको बैक कैमरे से बाकी सारे सीन दिखाता हूँ अभी। हाँ तो दोस्तों अभी ये देखें, ये गंदम जो है वो डाली जा रही है इसके अंदर, इस तरह डालते हैं, ये इसकी पंडे बना दिए। अब इसको पहले दातरी से काटी जाती है, काटने के बाद फिर ये इनको हम इधर जो हमारी लोकल लैंग्वेज है इनको सुब्बड़ कहते हैं, ये वाला इस तरह गंदम को भिगोया जाता है पहले। ये मैंने पहले व्लॉग में भी दिखाया था पानी में, क्योंकि जब ये पानी में भेजी जाती है तो फिर ये नरम हो जाती है, और नरम होने के बाद फिर इसको मतलब कि इस तरह शेम में लाया जाता है, जिनको हम सुब्बड़ कहते हैं जी। अभी हमने काफ़ी सारे बनाए थे, ये 20-25, वो सारे हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, 4 बाकी हैं, इनको हम कर रहे हैं अब। और इस तरीके से ये देखें लाइनों में ये गंदम जो है वो डाली जाती है। अभी रोज़ा भी है इसलिए आवाज़ बहुत कम हुई पड़ी है मेरी, एनर्जी ख़त्म हो गई है ना। तो बाकी अभी ये रह गया बस, इधर जो है वो डाली जा चुकी है, अभी वो भी डाली जाएगी इंशाल्लाह शाम तक, अभी घर चले जाएंगे सो जाएंगे जाकर, और उसके बाद फिर चूहे ने की हाल कर दी है, थलों वाड़े खा गए।
पर इनका फायदा भी कोई नहीं, नार तो सारे बाल तोड़ के लाए इन जैसे। भाई ये पंडा भी